अजीत जोगी की जाति मामले में बनी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आई सामने, जोगी को नहीं माना गया आदिवासी। अजीत जोगी की जाति मामले में जांच कर रही हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना गया है। इसके साथ ही जितने भी प्रमाण पत्र अजीत जोगी के हैं वो हाई पावर कमेटी ने रद्द कर दिए हैं। इधर कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद अजीत जोगी ने कहा है कि मुझे विधिवत रूप से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। भूपेश हाई पावर जांच कमेटी ने फैसला दिया है कि मैं आदिवासी नहीं हूँ। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कमेटी थी, उनके इच्छा अनुसार आदेश पर साइन किया गया है। कलेक्टर रहते कोई सवाल नहीं उठाया गया। 9 अगस्त को ही आदिवासी दिवस के दिन सीएम भूपेश ने कहा था कि एक महीने के अंदर जोगी जाति का फैसला कर लिया जाएगा। मोहन मरकाम ने भी इस बात का ऐलान किया था कि जोगी आदिवासी नहीं है, इसकी घोषणा पहले हो चुकी है। अब भूपेश हाई पावर जांच कमेटी ने जारी किया है कि मैं आदिवासी नहीं हूँ। अब कमेटी के फैसले आने के बाद अजीत जोगी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अजीत जोगी ने कहा है कि उनको पहले से ही अंदाजा था, इसलिए दोनों कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा चुकी है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत।